हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सत्यप्रकाश इंग्लिश मीडियम स्कूल। टुडेज़ लेक्चर इज हिंदी। हिंदी में हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, चैप्टर 6, मनुष्य ही महान। मनुष्य की गाथा गाते हैं, मनुष्य ही कैसे महान होता है वो हमें इस चैप्टर में समझाया है। जैसे कि हम सब बोले तो कि कोई बोलता है कि ये लोग महान है, कितने बड़े काम करते हैं, ये लोग महान है, ये नहीं होता तो क्या होगा, हमारा पानी नहीं होता तो क्या होता, सूरज चंदा नहीं होता तो क्या होता। अभी इससे ज़्यादा अकबर और बीरबल की स्टोरी में यहाँ पे मनुष्य की महानता गाई है कि मनुष्य ही कैसे महान होता है। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आप सबको भी पसंद आएगी। इसमें पात्र और स्टेज के हिसाब से एक नाटकीय रूप में ऐसे स्टोरी समझाई है। इसमें पात्र है बादशाह, अकबर और कुछ बच्चे लिए हैं, जैसे कि वो सभा में हो गए, सभासद हो गए ऐसे, और वजीर यानी कि बीरबल। तो ऐसे पात्र यहाँ पे इकट्ठा करके ऐसे नाटकीय रूप में हमें समझाया है। यदि आप सब स्कूल में होते तो हम भी ऐसे स्टेज बना के स्टोरी के जैसे समझते। ओके, तो अभी हम ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऐसे मैं सिखाती हूँ आपको, ऐसे ही पढ़ रही हूँ, आप सब ध्यान से सुने। बादशाह अकबर का दरबार लगा है, किसी विषय को लेकर चिंता तनाव है, जिज्ञासा है। बादशाह अकबर का आपने स्टोरी आगे बहुत सारी ऐसी स्टोरी पढ़ी होगी, अकबर बीरबल की पढ़ी है ना, उसमें से ही एक स्टोरी है। तो अकबर का दरबार भरा है, किसी विषय को लेकर ऐसी चिंता है, तो सभी ऐसे जिज्ञासा से बैठे हैं। अकबर कह रहा है, बीरबल मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। बीरबल, हाँ हाँ जहाँ पना पूछिए। अकबर कहता है, तुम धरती के लोगों को महान क्यों मानते हो? अकबर ने बीरबल से क्वेश्चन किया है कि तुम धरती के लोगों को महान क्यों मानते हो। अभी बीरबल उसका आंसर कैसे देता है देखिए। महाराज, आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर और गहरा है। मैं मनुष्य को सुंदर नहीं, सुंदरतम मानता हूँ। मैं मनुष्य को केवल सुंदर ही नहीं, सुंदरतम मानता हूँ, सुंदर से भी अधिक सुंदर मनुष्य को मानता हूँ। मैं यदि सभासदों से पूछूं तो क्या आप मुझे इजाज़त देंगे? बीरबल कहता है कि अकबर ने उससे क्वेश्चन किया कि तुम मनुष्य को क्यों महान मानते हो, क्यों सुंदर मानते हो? तो बीरबल ने आंसर दिया कि मैं सुंदर नहीं, सुंदरतम ही, सुंदर से भी सुंदर मनुष्य को मानता हूँ। मैं इसका यही क्वेश्चन मैं मनुष्य के यानी कि सभासदों से पूछूं तो क्या मुझे आप पूछने की इजाज़त देंगे इसे? तो अकबर कहता है प्रसन्नता से कि हाँ, प्रश्नोत्तरी के रूप में बहुत खूब, हाँ हाँ ऐसे बीरबल करके यस कहता है कि हाँ पूछ सकते हो। ऐसे आम के आम और गुठलियों के दाम, देखो यहाँ पे एक कहावत है कि आम के आम और गुठलियों के दाम, उसका मतलब होता है कि हमारा काम हो जाए और दूसरों का काम भी हो जाए, ऐसे मुझे उत्तर भी मिल जाएगा और सभासदों का मनोरंजन भी हो जाएगा। ऐसे कि बीरबल कहता है कि मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ सभासदों से, तो अकबर ने कहा कि जी हाँ करो, कि उससे क्या होगा कि मुझे आंसर भी मिल जाएगा और सभासदों का मनोरंजन यानी कि आनंद भी उसे भी मिलेगा। ऐसे उसके बाद है पेज नंबर 37 पर बीरबल कहता है, धन्यवाद जहाँपना, उसको क्वेश्चन करने की अनुमति दी। इसलिए सभासदों की ओर उन्मुख होकर अभी बीरबल क्वेश्चन करता है, आप प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हैं और प्रश्न से दूसरे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। बीरबल ने कहा सभासदों से कि आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं और उससे दूसरे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। फिर सभासदों ने आपस में ऐसे बात कर रहे हैं कि चित भी मेरी और पट भी मेरी, ऐसे आपस में बात कर रहे। जब देखो बीरबल
हम जैसे कुछ भी नहीं ऐसे आपस में बात करें कि जब देखो बीरबल बीरबल करते रहते हैं, महाराज भी हम जैसे कुछ भी नहीं। अभी देखो सभासद बीरबल, इस बार प्रश्न हम तुमसे पूछेंगे। सभासद सभी अंदर अंदर बात करते हैं और कहते हैं कि अब बीरबल क्वेश्चन हम करेंगे और आंसर तुम दोगे। बीरबल ने कहा प्रसन्नता से, यह भी ठीक है, मैं आंसर दूंगा, उसमें क्या होगा। ऐसे पहला, अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। पहला क्वेश्चन क्या किया कि अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। बीरबल उत्तर देने के लिए मुंह खोलता है किंतु दूसरी ओर से आवाज आती है। दूसरा कहता है, ठहरे बीरबल, पहले सुन तो लीजिए कि अभी क्वेश्चन मेरा पूरा नहीं हो रहा, हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, पहले पूरी बात तो ऐसे सुन लीजिए। ऐसे तो दूसरा कहता है, ठहरिए बीरबल, पहले सुन तो लीजिए। फिर बीरबल कहता है मुस्कुराते हुए, कहिए कहिए। दूसरा, अगर न होता सूरज दिन में प्रकाश फैलाता कौन। पहले ने क्या क्वेश्चन किया कि रात को चांद नहीं होता तो हमें दिशा कौन दिखाता। दूसरे ने क्या क्वेश्चन किया कि अगर न होता सूरज दिन में तो प्रकाश फैलाता कौन। अभी तीसरा का कहता है, देखो अगर न होते बादल नभ में इतना जल बहाता कौन। अगर आकाश में बादल नहीं होते तो इतना जल कौन बहाता। फिर चौथा बोलता है, अगर न होती निर्मल नदियां हमारी प्यास बुझाता कौन। बीरबल मुस्कुराते हुए, अगर न होते हम धरती पर इनकी महिमा गाता कौन। इन सब के आंसर में बीरबल ने क्या कह दिया कि अगर हम ही धरती पर ना होते तो इन सब की महिमा गाता कौन। नदी की, चांद सूरज की, बादल की, इन सब की महिमा हम ही गाते हैं ना, हम ही नहीं होगे तो इसकी महिमा गाता कौन। ऐसे फिर से पहला बोला, अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन। बीरबल ने कहा, अगर न होते कृषक धरती पर हरियाली लाता कौन। पहले ने कहा कि पेड़ धरती पर नहीं होते तो हरियाली कैसे फैलती। तो बीरबल ने आंसर में क्या कि कृषक यानी कि खेडूत नहीं होते तो धरती पर हरियाली आती ही कैसे। ऐसे फिर दूसरा कहता है, अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। बीरबल अभिनय से, अगर न होते हम धरती पर इनकी मुस्कान समझाता कौन। तीसरा, अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। बीरबल, अगर न होते हम धरती पर झरनों से मन बहलाता कौन। तीसरा जब कहता है कि पर्वत और मीठे झरने जब नहीं होते नहीं होंगे तो बीरबल ने कहा कि हम ही नहीं होते धरती पर तो इन झरनों से मन ही कौन बहलाता, उसका क्या काम था। ऐसे चौथा कहता है, अगर ना होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन। तो बीरबल उसका भी आंसर देता है, अगर ना होते हम धरती पर इंद्रधनुष उसे कहता ही कौन, किसे पता चलता कि इसे इंद्रधनुष कहते हैं। अगर हम ही इसके नाम नहीं बांटते तो इसको क्या पता चलता है। ऐसे बीरबल के समस्त उत्तर सुनकर अकबर प्रसन्न होते हैं। पहला, अभी प्रश्नोत्तरी समाप्त नहीं हुई। पहले ने फिर से कहा कि अभी हमारी प्रश्नों की समाप्ति नहीं हुई, आगे सुनिए। अगर न होती हवा धरती पर जीवन लाता कौन। बीरबल कहता है, अगर न होते हम धरती पर बोलो हवा का क्या होता काम। अगर हम ही धरती पर नहीं होते तो हवा का हम सबको काम भी क्या होता। ऐसे अब तुम सब मुझे बताओ, सब तैयार हो। ऐसे बीरबल क्वेश्चन करता है कि मैंने तो आंसर दे दिए, अब आप सबकी बारी, चलो मैं क्वेश्चन करता हूँ, सब तैयार हो। ऐसे कहते हैं तो आगे देखो, अभी बीरबल क्वेश्चन करता है, अगर न होते हम धरती पर चांद की चांदनी का क्या था काम। कि हम ही धरती पर नहीं रहते तो हमें चांद हो या चांदनी हो हमें उससे क्या मतलब था। ऐसे, अगर न हो हम धरती पर बोलो सूरज की किरणों का क्या काम। अगर हम ही धरती पर न होते तो हमें उसकी सूरज की किरणों का भी कुछ काम ही नहीं था। निर्मल नदियों की जलधारा व्यर्थ बहेंगी सुबह शाम। अगर न होते हम धरती पर ऊंचे पर्वतों की है क्या पहचान। कि निर्मल नदियों की जलधारा हो या सुबह शाम ऐसी बहती हो,
की पर्वतों की ऊंचे पर्वतों की पहचान भी हमारे सिवा उसकी कुछ नहीं रहता थी। अगर हम ही धरती पर नहीं होते तो ऊंचे पर्वतों की नदियों की सूरज की चांद तारों की कुछ भी अहमियत नहीं होती। तो उसका आंसर क्वेश्चन सुन के सब चुप हो गए। अगर न होते हम धरती पर ऊर्जा का क्या है अर्थ, सब चुप हो गए। जब ऐसे बीरबल ने क्वेश्चन किया तो सबके पास कुछ आंसर नहीं था, सब ऐसे चुप ही चुप रह गए। अगर ना होते हम धरती पर ऊर्जा का क्या है अर्थ, कुछ काम नहीं है ऐसे। आगे बीरबल कहता है, अगर न हो हम धरती पर खुशहाली लाता कौन, ये मंदिर मस्जिद में कारीगरी दिखलाता कौन। आप सबने भी देखा होगा कि मंदिर मस्जिद कैसी कोतरनी काम कैसे बढ़िया करते हैं, वो सब कौन करते हैं, कारीगर लोग ही करते हैं ना, हम सब ही करते हैं। तो अगर हम ही नहीं होते तो ये मंदिर मस्जिद में कारीगरी कौन दिखलाता है ऐसे। ये कपड़े, ये भोजन, ये स्वादिष्ट, ये पेय पदार्थ बनाता कौन, सब चुप हो गए। जब बीरबल ने ऐसे क्वेश्चन किए कि ये कपड़े भोजन ये सब पदार्थ हम सभी बनाते हैं, यह हम ही नहीं होते तो इस सब का क्या मतलब था। अगर न होते हम सृष्टि को चलाता कौन, कि हम ही नहीं होते तो ये सृष्टि को चलाता ही कौन। अगर न होते हम तुम जीवन का सौंदर्य बताता कौन, कि अगर हम और तुम यानी कि हम सब नहीं होते तो ये जीवन इतना सुंदर है इसका सौंदर्य कौन बताता, जैसे हम सब अभी गाते हैं वैसे कौन बताता है इसे। अगर न होते हम तुम इस भूमि का वंदन गाता कौन, कि अगर हम ही नहीं होते मनुष्य ही नहीं होते तो इस भूमि का यानी कि इन धरती का वंदन गाता कौन, इस धरती की जो वंदन हम सब करते हैं गाते हैं ये सब कौन गाता ऐसे। अकबर कहता है, शाबाश बीरबल शाबाश, तुमने मेरी जिज्ञासा और को शांत कर दिया। सचमुच मनुष्य ही महान है, मनुष्य न हो तो इस सृष्टि का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे सभा पूरी करते हैं और अकबर का अकबर को अपनी जिज्ञासा वृत्ति का सही आंसर मिल गया और यहाँ पे सबके क्वेश्चन के आंसर भी मिल गए। तो यहाँ पे वो नाटकीय रूप से लास्ट में लिखा है कि पर्दा गिरता है, उसका मतलब है यहाँ पे ये सभा खत्म हो जाती है ऐसे। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, आप सबको फिर से पढ़ना बहुत ही मज़ा आएगा। इसके न्यू वर्ड्स और एक्सरसाइज भी मैं पीडीएफ में भेज दूंगी आप सबको, इसके क्वेश्चन आंसर और नए न्यू वर्ड्स जो बुक्स में और नोटबुक में लिखने होंगे वो सब आपको लिख लेने हैं और मंडे को बुक्स कंप्लीट करके चेकिंग के लिए आना है। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ही बढ़िया चैप्टर है अकबर बीरबल की स्टोरी है, आप सबको पसंद आई होगी। आप सब अच्छी तरह से समझ लेना और बुक्स भी कंप्लीट कर लेना। ओके, टेक केयर, गुड बाय।